हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इंची टेप को। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है इंची टेप के ऊपर, पर फिर भी लोगों को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, उनको समझ में नहीं आया, तो मैं आज आपको दूसरे तरीके से समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जैसे हमारा इंची टेप है, तो फ्रेंड्स जैसे ये हमारा इंची टेप है, इस तरीके से जो नंबर है ये थोड़ी थोड़ी दूरी पर, ये हमारा इंच होता है, ये हमारा एक इंच होता है। और उल्टी साइड से अगर आप इंची टेप को देखोगे तो यहाँ पे जो है पास पास में जो नंबर हैं, इनको हम सेंटीमीटर बोलते हैं। तो जो 100 सेंटीमीटर होता है वो होता है एक मीटर। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो वो लोग हम बोलते हैं कि एक मीटर दे दो, दो मीटर दे दो, तो ये जो 100 सेंटीमीटर होता है ये होता है एक मीटर, हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। और अगर आप ये इंच को देखोगे तो ये हमारा 39 और 40 के बीच में होता है, है ना। तो आप 40 भी समझ लें भले एक, ये एक मीटर को, तो ठीक है। ये तो बात लोगों को समझ में आती है, जो मेन बात है वो समझ में नहीं आती है लोगों को। जैसे हम कोई ड्रेस बनाते हैं उसमें जब हम बोलते हैं कि 2.25 ले लें या फिर 2.25 ले लें या फिर मतलब 2.5, तो समझ में आता है उनको 2.25, पर ये जो 2.25 है और 2.25 है ये समझ में नहीं आता। तो मैं आज आपको थोड़ी सी अपने तरीके से बताऊंगी, आपको हंसी भी आएगी शायद। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए, एक को तो हम छोड़ देते हैं, ये एक इंच हो गया, यहाँ पर स्टील लगा हुआ, यहाँ पर नहीं बता पाऊँगी मैं आपको, पर ये आप देखें, एक यहाँ पर ये वाला जो ये बड़ा डंडा खींचा हुआ है, ये हो गया हमारा एक इंच। ये एक इंच ऐसे होता है, पर जब हम इंची टेप पे नाप लगाते हैं तो 1 इंच 2 इंच इस तरीके से लगाते हैं। तो ये इतना सा एक बॉक्स जो होता है वो एक इंच का होता है। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे, ये एक बड़ा डंडा है, फिर इसके आधे में आके ये वाला डंडा है, तो ये आधा हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आधा इंच हम इसको बोलते हैं। और इसके भी बीच में अगर आप ये वाला देख रहे होंगे, ये वाला डंडा जो कि इस आधे से भी छोटा है, ये होता है 1.25 इंच। तो 1 इंच में आप लगा लें 4 हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये 1 इंच हमारा हो गया 1 किलो, 1 किलो हो गया, और इसमें 4 बार हम पाव पाव करते हैं, तो ये इसमें 4 पाव समझ लीजिए। अब जैसे कि वैसे तो ये 1 इंच में 8 बॉक्स होते हैं, ये छोटे छोटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, पर ये जो बिल्कुल छोटा होता है इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। जो 1.25 इंच होता है ना, मतलब कि ये वाला, इसका यूज़ आता है, फिर भी ये होता है यहाँ से लेके यहाँ तक 1.25 होता है, ये मतलब पाव, और यहाँ से यहाँ तक आधा आधा किलो, और यहाँ से यहाँ तक 1 किलो। अब 1 किलो में 4 पाव हैं, तो जब मैं ऐसे बोलूँगी कि 2.25 इंच, तो आपको क्या करना है, यहाँ से 2 इंच लिया और 1 पाव ले लिया, तो ये हो गया 2.25। अब जैसे मैं बोलूँगी कि 2.25, 2.25 क्या होता है, 2.25 होता है 2 किलो में आप, मतलब 2 इंच में आप 1 पाव कम कर लें, तो ये हो गया 1 पाव आप कम कर लें, तो ये हो गया 2.25। फिर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ जैसे 3.25, तो ये 3 लिया और ये पाव लिया। अब मैंने जैसे बोला कि आपको 4.25 इंच पर जो है एक मार्क लगाना है, 4.25 मतलब 4 इंच से 1 पाव कम, 4 इंच पूरा से 1 पाव कम, पाव होता है आधा किलो से आधा, तो ये होता है फ्रेंड्स। भले आप लोग हंस लें, पर मैंने अपनी तरीके से समझाने की आपको कोशिश की है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, बहुत कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने बनाया इसको। वैसे तो मैंने बनाई हुई है पहले भी इंची टेप पे वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।